हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दी आर्टिस्ट का नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक हाथ पर दो फिगर्स हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। हथेली पर जो फिगर्स मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, और ये जो फिगर वर्क है मैंने जैस्मिन मेहंदी आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर बनाया है। इसमें ऊपर की साइड जो है मैं लोटस वर्क ड्रॉ कर रही हूँ। आपको अगर आपने पहले भी मेरे जो है वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने लोटस वर्क, ये वाला जो लोटस है, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये आपको सिखाया था। तो जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो चेक नहीं की है तो वो उस वीडियो के थ्रू इस लोटस वर्क को बनाना सीख सकते हैं। यहाँ हम लोटस वर्क के साथ कुछ फिलर एलिमेंट्स जो हैं यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, आपने मेरे कई फिगर वर्क देखे हैं, और हथेली पर जो है मैंने कई बार फिगर वर्क ड्रॉ किया है, सिंगल भी और डबल भी। आपको याद होगा मैंने अभी रिसेंटली एक ब्राइड और ग्रूम का फिगर वर्क जो है ड्रॉ करके हाथ पर एक वीडियो अपलोड किया था। पूरा का पूरा ब्राइडल वर्क था वो। तो उसके बाद ये नेक्स्ट मेरा वीडियो है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, और प्लस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम फिगर वर्क जो है एक सिंगल बनाते हैं हथेली पे, तो हम उसका साइज़ जो है एक नॉर्मल साइज़ जो है वो रखेंगे। लेकिन जब हम दो फिगर वर्क को एक ही पर जब हम दो फिगर वर्क को एक ही हाथ पे ड्रॉ करते हैं तो उसका साइज़ जो है थोड़ा थोड़ा हमें कम रखना होगा, तभी जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम पूरा फिगर वर्क ही नहीं रखेंगे, साइड में हम जो है उसका अदर एलिमेंट्स भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं जो फिगर वर्क ड्रॉ कर रही हूँ उसके साइड में मैंने कुछ एलिमेंट्स का यूज़ नहीं किया है। हालाँकि मेरी पिछली वीडियो में जो फिगर वर्क मैंने ड्रॉ किया था उसमें मैंने वो चीज़ यूज़ की थी। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये फिगर वर्क जो है ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, उसकी आउटर जो है लाइन ड्रॉ करेंगे हाईलाइट करने के लिए, और फिर उसका जो बाहर का जितना भी मटेरियल उसमें हम फिलर एलिमेंट्स अपने यूज़ करके उसको सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटे छोटे जो हैं ये फिगर वर्क ड्रॉ किया। आपको प्रैक्टिस करनी होगी आइज नोज़ की, कि हम एक फेस में किस तरीके से हम छोटे छोटे जो हैं इनकी किस तरीके से ड्रॉ करें। आपको मीडियम साइज़ और नॉर्मल साइज़ दोनों तरीके के जो हैं वो ड्रॉ करके बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम छोटा फेस ड्रॉ करेंगे तब हमें कितना रखना है और साइज़, और जब हम बड़ा ड्रॉ करते हैं फेसेस वगैरह फिगर वर्क तो हमें कितना साइज़ रखना है। तो ये जो वर्क है ये फेरे की रस्म है, जिसमें दूल्हा दुल्हन का जो हाथ पकड़ के फेरे लेने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके की और भी वीडियोस जो है मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू है, तो मैं आपको कुछ टाइम बाद वीडियोस अपलोड करूँगी, तो उसमें आपको और भी तरीके के जो फिगर वर्क है मैं सिखाऊँगी। और अगर आपको इसी तरह की मेहंदी के डिज़ाइन सीखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर करें,
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय द वीडियो।